Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर आपको आशीष दे. The Lord, good morning. Hallelujah. आज की सुबह एक बार फिर से आप 5 मिनट का एजीबीसी मन्ना सुनने जा रहे हैं. मेरे अजीज, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, आप जरूर अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने समाज में, अपने बिलीवर्स को, अपने भाई बहनों, आंटी अंकल बुआ सबको शेयर करें, बताएं 5 मिनट का एजीबीसी मन्ना पास्टर सुनील मसीह के द्वारा आप तक पहुंच रहा है. ये खुदा बाप यीशु मसीह का मन्ना है जो फ्रेश जीवित मन्ना है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को आपने खाना बनाया, सुबह उठ के वो बासी हो जाता है, लेकिन एक जीवित मन्ना जो कभी बासी नहीं होता वो ये है, यीशु मसीह का मन्ना जो हमेशा फ्रेश रहता है और प्रतिदिन सुबह आपके घर घर फेसबुक पर आपके पास घूम रहा है, लेकिन आपको समय नहीं है 5 मिनट का जो यीशु मसीह का मन्ना सुन पाए. मेरे अजीज, प्लीज़ आप 5 मिनट का एजीबीसी मन्ना सुनेंगे तो आपके जीवन में जागृति आएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी और आपका आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे बाल बच्चे आशीषित होंगे और यीशु मसीह आपके घर में होगा. मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यिर्मयाह की पुस्तक 9 बाब उसकी 23 आयत में ऐसा लिखा है. यहोवा यूं कहता है. क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है. सब एक दूसरे से बोल दें, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे. फिर आगे लिखा है, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे. फिर लिखा है, ना धनी अपने धन पर घमंड करे. बड़ी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ना तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे. मेरे अजीज, फिर घमंड किस पे करें? यीशु मसीह एक ही बात कह रहा है, अगर घमंड करें तो अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें. यदि हम घमंड करें तो अपने वचन पर घमंड करें, हम घमंड करें तो अपने उस यीशु मसीह पर जो जीवित परमेश्वर है उस पर घमंड करें, क्योंकि वही आपको बचा सकता है. और हम एक दूसरे से प्रेम का घमंड करें कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं. मेरे अजीज, मैं आपको बता सकता हूं कि आंखों की अभिलाषा आपको इस घमंड में खत्म कर रही है, बर्बाद कर दिया है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात आ रही है बुद्धिमान. एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, ए जान, खुश हो और मगन हो और ऐश कर. मैं कहना चाहता हूं उसी रात परमेश्वर ने उससे बात की कि आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत उपज हुई थी, उसने बखारियां तोड़कर उसमें तमाम अन्न भर दिया. बोले, खा पी और ऐश कर, क्योंकि आप बहुत धन हो गया है. मेरा जी कि आपका सारा धन ही पे रह जाए और आपका प्राण आपसे ले लिया जाए तो क्या फायदा. मैं आपके बात कर रहा हूं, धनवान व्यक्ति का धन काम नहीं आया. मैं कहना चाहता हूं कि एक धनी व्यक्ति, जो कि राजा नबूकदनेस्सर ने कहा जब अपने महल में घूम रहा था, ये सारा बेबुलन तो मैंने ही बनाया, आकाश खुला, उसमें एक आकाशवाणी हुई कि आज ही तू जानवरों के संग चारा चरेगा, और वह चारा चरने लगा. अगर आप बहुत धनी हैं तो अपने धन पे घमंड ना करें. मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाने के लिए क्या करूं. यीशु मसीह ने उससे कहा, एक काम कर, तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे हो ले. वह बड़ा दुखी हुआ और चुपचाप निकल गया. मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है. मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छी बात है. सुलेमान जैसा बुद्धिमान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा. और परमेश्वर इसीलिए कह रहा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे. तो मैं कहना चाहता हूं, सुलेमान ने बहुत, शिवा की रानी आई, उसने पूरा राजमहल देखा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए और सबका उत्तर उसको सही मिला. बड़ी हर्षित थी, उसने कहा, मैंने जितना सुना था वो तो 50% था, लेकिन आकर मैंने अपनी आंखों से देख लिया, उठना बैठना चलना फिरना मेज महल में रहना खाना पीना, क्या बुद्धिमानी से. ऐसी बुद्धिमानी मैंने कहीं नहीं देखी, इतना बुद्धिमान व्यक्ति. लेकिन उस बुद्धिमान ने एक गलती कर ली कि जो यीशु मसीह ने कहा था कि अपने को घर में ना अपनी बेटी देना, ना उनकी बेटी लेना, ना उनके घर में जाना, ना उनके घर में आना. उसने 700 रानियां कर ली अन्य जातियों से, 300 रखेलियां कर ली. वो बुद्धिमान व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूं कि उनका मन उसका भटक गया और वह उनके सही दिन परमेश्वर उससे नाराज हो गया और उसकी सारी बुद्धि जाती रही, उसका पतन हो गया. मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत बुद्धिमान हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, वचन में लिपटे रहें, और अन्य जाति से नहीं, विश्वासी का विवाह विश्वासी से, अन्य जाति का विवाह अन्य जाति से. इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धिमान हैं तो प्रभु से लिपटे रहें और उससे मांगे तो वो तुम्हें देगा. उसने कहा, मुंह खोलो, मैं पसार दूंगा. फिर लिखा है, वीर अपनी वीरता पे घमंड न करे. मुझे अच्छा लग रहा है, गोलियत के बारे में कहते हैं, उसने चैलेंज किया, यदि कोई इसराइली वीर है तो मुझसे आके लड़े, यदि वो मुझ पर प्रबल हो गया तो वो जीत गया. फिलिस्ती पर
पूरा हकदार करे हक रखेगा, वो उस पर शासन करेगा, और यदि मैं जीत गया तो सारे इसराइली मेरी गुलामी करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा सा बच्चा जिसका नाम दाऊद है, उसने 5 पत्थर उठाए और उस गोलियत को अपने गुफान से घुमा के 1 पत्थर मारा और उसकी सारी वीरता ध्वस्त हो गई, जमीन पे गिर गया, उसकी तलवार निकाली, उसकी गर्दन काट दी, उसका जितना चैलेंज था खत्म हो गया। वीर का जो था वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था, बहुत लंबा चौड़ा था, 6 हाथ लंबा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे से बच्चे ने उसकी वीरता को खत्म कर दिया। घमंड ना करें अपनी ताकत पर, ताकत का तकिया ना करें, आप अपने धन का तकिया ना करें, आप अपने खूबसूरती का तकिया ना करें, आप अपने बुद्धि का तकिया ना करें। मेरे अजीज, यीशु मसीह बुद्धि देता है, ताकत वही देता है, और धन और यश यीशु मसीह के पास से आता है। कृपया आप अपने यीशु मसीह की तरफ अपना मन फिराएं, यीशु मसीह से लगे रहें, इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन आपने सुना है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, और धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड ना करें, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करें। तो घमंड किस पर करें? अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर, जिस प्रकार से डैनियल करता था। सद्रक मेशक अबेदनगो ने भरोसा किया, आग उन्हें जला सकी, और भूखे शेर भूखे रह गए उसे खा नहीं सके, नदी उन्हें डुबा नहीं सकी। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन? हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, विशेष जितने लोग पलंग पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ब्लैक फंगस हो गया है, कोरोना है। प्रार्थना करते हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, आज से प्रभु उन्हें चंगा कर, क्योंकि उन्होंने आप पर घमंड किया है, अपने धन पर घमंड नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह, अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं किया है, अपनी वीरता पे घमंड नहीं किया है, लेकिन घमंड किया तो यीशु मसीह आप पे किया। उन सब पवित्र जन को लिए प्रार्थना करता हूँ, धर्मी जन के लिए अभी इसी घड़ी आप चंगा करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है, स्किन की प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह अभी इसी घड़ी चंगा कर रहे हैं। भाई जितेंद्र सूरी को आपने चंगा किया है, भाई सुनीत एन सिंह को आपने चंगा किया है, भाई ग्लेडविन को आपने चंगा किया है, भाई एडविन सी लाल को आपने बरेली से चंगा किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरे भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जितने बीमार हैं, जितने आप पे भरोसा करते हैं, आप अपने पाक सीधे हाथ अभी यीशु मसीह के आपके ऊपर आ रहे हैं, यीशु मसीह अभी चंगा कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर नीता विक्टर के परिवार के लिए, उनके बेटे गौरव के लिए, रितु के लिए, बड़ी आशीष और चंगाई को दे। हमारे प्रार्थना योद्धा सिस्टर जुलियाना पॉल परिवार के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बीना मसीह परिवार के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर रीटा, सिस्टर मधु के परिवार के लिए, सिस्टर निशा निर्दोष के, जो कि हमारी प्रार्थना योद्धा हैं, ये सब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। डॉक्टर जेनिफर मसीह, सिस्टर प्रियंका मसीह, मिसेस नीलमा मसीह, मिसेस विलियमसन एंडरसन, मिसेस मार्था मसीह, हम इन सब के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जो 24/7 हमारे संग प्रार्थना में आप सबके लिए तत्पर है। हम सिस्टर ललिता राउत के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर सुशील मसीह, पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू परिवार के लिए बड़ी सुख शांति को दे, ताकि प्रभु हम सब मिलकर इस भारत देश को आशीषित कर सकें, बड़ी उन्नति और जागृति आ सके। जितने बीमार हैं वो सब चंगे हो रहे हैं। जिनका आज बर्थडे है उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनकी एनिवर्सरी है उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ी दीर्घायु से तृप्त कर, आशीषित कर। और जो पलंग पे लेटे, जिनका ऑपरेशन होने जा रहा है, प्रभु ने इसी घड़ी आप चंगा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि किसी बहन के घुटने का दर्द आप अभी ठीक कर रहे हैं, कंधे का दर्द अभी ठीक हो रहा है, और बड़ी बड़ी गवाहियां जो आ रही हैं, जो व्हाट्सएप किया, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अभी सर झुकाए हुए हैं, इस प्रार्थना में अपने विश्वास को दे रहे हैं, प्रभु अभी विश्वास के द्वारा उनको चंगा कर। वो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आता को नरक में डांटता हूँ। विशेष आज के दिन के लिए प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक इनकी निगहवानी कर, सुबह का भूरे दिखाया, सिर्फ महिमा आपको मिले। विशेष प्रार्थना करते हैं मसीह परिवार को, जो डिजायर वो पूरी कर, हाउस ऑफ गॉड डिलीवर चर्च के विश्वासियों को आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन।